सरकार ने बाल विकास परियोजना चलाई है ताकि गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं बच्चों की स्वास्थ्य पोषण की सुरक्षा हो सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत सखुईताज में पिछले 4 महीने से नियमित रूप से पोषाहार वितरण नहीं हो पा रहा है, जिससे आंचल सहित 20 औरतों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम बताइए, आपके यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा पोषाहार दिया जा रहा है कि नहीं? जी नहीं। कितने दिन से आपको नहीं दिया गया? जब से यहाँ रहने लगे तभी से नहीं दिया गया, सन 2006 से यहाँ पर रहने लगे। और जब से गर्भवती थी और बच्चा 7-8 महीने का हो गया, तब से उतने दिनों के बीच में आपको कितनी बार दिया गया? एक बार भी नहीं मिला। पोषाहार ना मिलने से क्या समस्या होती है? जी सर, हाथ पैर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, पूरे बदन में, और बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं ना मिलने से। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा आज तक आपको कुछ दिया गया? कुछ नहीं। तो पोषाहार ना मिलने से आपको क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है, कमर दर्द हुई, हाथ दर्द हुई, पैर दर्द हुई, पूरा सर दर्द हुई मेरे शरीर। और गांव की और कितने औरतें हैं जिनको पोषाहार नहीं दिया जाता? 20। गांव की गर्भवती एवं धात्री माताओं को कहना है कि हमको नियमित रूप से पोषाहार नहीं मिलता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं पोषाहार नहीं बांट पाई। गांव के लोग तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उनका कोई मुंह पकड़ पाएगा। तो आप बीच में नहीं बांट पाए तो इसमें कैसे क्या करेंगे आप? अब ऐसा गलती नहीं होगा। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि नियमित रूप से पोषाहार वितरण हो। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के CDPO का मोबाइल नंबर है 94-51-95-88-46 पर कॉल कर दबाव बनाकर हमारी मदद करें। मैं ब्रह्मजीत, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, इंडियन हर्ड के लिए।